श्री राग महला पहला घर चौथा एक स्वान दुई स्वानी नाल भल के भव के सदा बयाल कूड़ छुरा मुठा मुरदार धारक रूप रहा करतार मैं पत की पद ना करनी की कार हाँ बिगड़े रूप रहा विकराल तेरा एक नाम तारे संसार मैं एहा आस एहो आधार रहा मुख निंदा आँखा दिन रात पर घर जो ही नीच सनात काम क्रोध तन वस है चंडाल धारक रूप रहा करतार फाही सुरत मलू की बेस हाँ ठग वाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता भार धारक रूप रहा करतार मैं कीता ना जाता हराम खोर हाँ किया मुह देसा दुष्ट चोर नानक नीच कहे विचार धारक रूप रहा करतार इन पंक्तियों में गुरु साहिब जी ने मानव मन में विद्यमान दुष्ट वृत्तियों से बचने का उपाय प्रस्तुत किया है। गुरु जी कहते हैं कि जीव के साथ लोभ रूपी कुत्ता है तथा आशा व तृष्णा रूपी दो कुतियां हैं। सदैव प्रातः होते ही ये आहार हेतु भौंकने लग जाते हैं। जीव के पास झूठ रूपी छुरा है जिससे वह संसारिक प्राणियों को ठग कर खाता है। अर्थात जीव झूठ के आसरे अभक्ष्य पदार्थ सेवन करता है। हे प्रभु, संसारिक जीव हत्यारे के रूप में रह रहा है। जीव के लिए गुरु जी स्वयं को पुरुष मानकर कहते हैं कि मैंने उस प्रभु पति की प्रतिष्ठित शिक्षा ग्रहण नहीं की तथा ना ही कोई श्रेष्ठ कार्य किया है। मैं ऐसे विकृत विकराल रूप में रह रहा हूँ। हे प्रभु, आपका एक नाम ही भव सागर पार करने वाला है। मुझे इसी नाम की आशा है और इसी नाम का आश्रय है। रहा मैं अपने मुंह से दिन रात निंदा करता रहता हूँ। मैं निम्न वर्ग वाला चोरी करने हेतु प्राय घरों की ओर देखता रहता हूँ। इस देह में काम क्रोध आदि चंडाल बसते हैं। हे प्रभु, मैं हत्यारे के रूप में रह रहा हूँ। मेरा ध्यान लोगों को फंसाने में लगा रहता है। यद्यपि मेरा ब्रह्म भेष फकीरों वाला है, मैं बड़ा ठग हूँ तथा दुनिया को ठग रहा हूँ। मैं स्वयं को बहुत चतुर समझता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर पापों का बहुत भार पड़ा हुआ है। हे प्रभु, मैं हत्यारे के रूप में रह रहा हूँ। मैंने प्रभु के किए उपकारों को भी नहीं जाना, अतः मैं कृतघ्न हूँ। मैं दुष्ट चोर हूँ, सो मैं किस मुँह से परमात्मा जी के दरबार में जाऊंगा। अर्थात मैं अपने कुकृत्यों से इतना शर्मिंदा हूँ कि प्रभु के द्वार पर क्या मुँह लेकर जाऊं। गुरु नानक देव जी स्वयं को जीव रूप में संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं इतना नीच हो गया हूँ, मैं हत्यारे के रूप में रह रहा हूँ। अर्थात इस स्वरूप में मेरी मुक्ति कैसे होगी। श्री राग महला पहला घर चौथा एक का सुरत जेते है जिये, सुरत विहुणा कोई ना किये, जे ही सुरत तेहा तिन राह, लेखा एको आवे जाह, काहे जिये करह चतुरा, लेवे देवे ढिल ना पा, रहा, तेरे जिये जिया का तोह, कित का साहिब आवह रोह, जै तू साहिब आवह रोह, तू ओना का तेरे ओह, असी बोल बिगाड़, बिगाड़ है बोल, तू नदरी अंदर तोल है तोल, जह करनी तह पूरी मत, करनी बाजह घटे घट, प्रण वत नानक ज्ञानी कैसा हुई, आप पछाने बुझे सोई, गुर प्रसाद करे विचार, सो ज्ञानी दरगह परवान। इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, उन सब में एक सी सूझ है। इस सूझ से वंचित
कोई भी नहीं है। जैसी सूझ तुम उनको प्रदान करते हो वैसा ही मार्ग उनको मिल जाता है। अर्थात प्रत्येक जीव अपनी सूझबूझ के अनुसार इस संसार में कर्म मार्ग अपना चुका है। सभी जीवों के कर्मों के निर्णय का नियम एक ही है, जिसके अनुसार वे आवागमन के चक्कर में रहते हैं। हे जीव, तुम चतुराई क्यों करते हो? वह दाता प्रभु लेने और देने में कभी भी विलंब नहीं करता। रहा हे परमेश्वर, यह समस्त जीव तुम्हारे बनाए हुए हैं तथा इन सब जीवों के तुम स्वामी हो। हे प्रभु, फिर तुम इन जीवों की भूलों पर क्रोध क्यों करते हो? यदि तुम इन पर क्रोध करते भी हो तो भी तुम इन जीवों के हो और ये जीव तुम्हारे हैं। हम अपशब्द बोलने वाले हैं तथा निरर्थक बातें करते हैं। हमारी निरर्थक बातों को तुम अपनी कृपा दृष्टि में तोलते हो। जहाँ सत्य कर्म है वहाँ बुद्धि भी परिपक्व होती है। सत्य कर्मों के बिना जीवन में हानि ही हानि है। नानक देव जी विनय पूर्वक कथन करते हैं कि सूझवान जीव कैसा होना चाहिए। प्रत्युत्तर में कहते हैं, स्वयं को जो पहचानता है और उस परमात्मा को समझता है, उस गुरु रूप परमात्मा की कृपा से उसके गुणों का चिंतन विचार करता है, ऐसा सूझवान परम ज्ञानी ही परमात्मा के दरबार में अथवा परलोक में स्वीकृत होता है। श्री राग महला पहला घर चौथा। तू दरिया दाना बिना मैं मछली कैसे अंत लहां। जह जह देखा तह तह तू है तुझ ते निकसी फूट मरा। ना जाना मैं ना जाना जाली जा दुख लागे ता तुझे संभाली। रहा तू भरपूर जानिया मैं दूर जो कछ करी से तेरे हदूर। तू देख हाँ मुँह कर पा तेरे कम ना तेरे नाई। जेता देह तेता हाँ खां बिया दर नाही के दर जा। नानक एक कहे अरदास जी पिंड सब तेरे पास। आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंझ म्यानो। आपे वेखे सुने आपे ही कुदरत करे जहानो। जो तिस भावे नानका हुक्म सो परवानो। मछली का दृष्टांत देकर गुरु साहिब जी परमेश्वर जी के समक्ष विनती करते हैं कि हे प्रभु, तुम दरिया के समान विशाल हो, सर्व ज्ञाता हो, सर्व दृष्टा हो और मैं एक छोटी मछली के समान हूँ, तो मैं तुम्हारी सीमा को कैसे जान सकता हूँ? क्योंकि तुम तो असीम प्रभु हो, जिस ओर भी मेरी दृष्टि जाती है वहाँ सब ओर तुम परिपूर्ण व्यापक हो। अतः तुमसे बिछुड़ कर मैं तड़प कर मर जाऊंगी। अर्थात तुम्हारे नाम सुमरण से विस्मृत होने पर मैं दुखी होकर मर जाऊंगी। ना ही मैं यम रूपी मछुए को जानती हूँ तथा ना उसके जाल को जानती हूँ। जीवन में जब भी कोई कष्ट आता है तो मैं तुझे ही स्मरण करती हूँ। रहा हे परमात्मा, तुम सर्व व्यापक हो किंतु मैंने तुझे अपने तुच्छ बुद्धि के कारण कहीं दूर ही समझा है। जो कुछ भी मैं करती हूँ वह सब कुछ तेरी दृष्टि में ही है। अर्थात क्योंकि तुम सर्व व्यापक हो इसलिए जीव जो भी कर्म करता है वह तुम्हारी उपस्थिति में ही होता है। मेरे किए कर्मों को जबकि तुम देख रहे हो लेकिन मैं फिर भी इनकार करती हूँ। ना तो मैं तुम्हारे द्वारा स्वीकृत होने वाले कार्य ही करती हूँ तथा ना ही मैं तुम्हारा नाम सुमरण करती हूँ। हे परमात्मा, जितना तुम देते हो मैं उतना ही खाती हूँ। तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई द्वार नहीं तो फिर मैं किस द्वार पर जाऊं?
मैं नानक तुम्हारे समक्ष यही एक प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्राण एवं तन मन आदि सब कुछ तुम्हारे अधीन ही रहें। तुम स्वयं निकट हो, दूर भी तुम ही हो, तथा मध्य स्थान में भी आप हो। तुम स्वयं हमारे कर्मों को देखते हो, तुम ही अच्छे बुरे वचन सुनते हो, तथा तुम स्वयं ही अपनी शक्ति द्वारा इस सृष्टि की रचना करते हो। नानक देव जी कथन करते हैं कि जो आपको आदेश करना अच्छा लगता है वही हम सबको मान्य है।